एक सेकंड रुकिएगा। और यहाँ पे अगर आप कोई लोगो दिख रहा है, इस लोगो की जगह पे कोई और लोगो है आपका, तो यहाँ पिक्चर आपको दिख रहा है, यस इमेजेस। इस इमेजेस को सेलेक्ट कीजिए, यस सर माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, गलती होगी मुझसे, यस गलती। सर इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ओके हाँ इंसर्ट इमेज पे आए, हाँ ब्राउज करें, ओके हाँ और जो आप हाँ अपना इमेज डालना चाहते हैं वो इमेज आप डाल दीजिए, वो इमेज आपको यहाँ पे आएगा, जैसे लोगो वगैरह होता है ना उस तरह का। अब इसको मैं क्लोज यस करता सर हूँ, हाँ एक हमारा नॉर्मल फॉर्म बन के रेडी है जिसका नाम हाँ एस फॉर्म के नाम से इसका सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक किया, अब इसमें जो भी है, जैसे कि आईडी आपका न्यू है तो ऑटोमेटिक आएगा। अब इसमें भी देखना होता है कि देखिए आईडी, अगर आईडी पे एंट्री क्यों करें जब ये ऑटोमेटिक है, तो ये भी एक ध्यान देने बात है। हाँ यहाँ पे नेम मान लीजिए मैंने दे दिया पूजा, हाँ सिटी में दे दिया दिल्ली, मोबाइल नंबर दे दिया, हाँ और यहाँ पे जैसे हमने क्वांटिटी 1 डाला और एमआरपी 60 डाला, 62 है जो भी डाला हमने, टैब मारते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन हो जा रहा है। मैं यहाँ पे 2 डाला तो अच्छा बढ़ जा रहा है, लेकिन कर्सर इसमें क्यों जा रहा है? तो अब यहाँ पे दो चीज आपका फॉर्म में है कि यहाँ और यहाँ दो जगह हमारा कर्सर नहीं जाना चाहिए, राइट? कहाँ कहाँ दो जगह नहीं जाना चाहिए सर। ए यहाँ पे एक तो हमारा आईडी जो कि हाँ डिफॉल्ट है, हाँ हाँ दूसरा टोटल जो कि कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड है हाँ दो जगह कर्सर जाएगा तो बंदा चेंज कर सकता है ना। चेंज कर सकता है हाँ हाँ तो यहां यस सर पे हम राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू में हाँ आते हैं हाँ और टोटल को सेलेक्ट किया और इसकी प्रॉपर्टी सीट पे आ गया, देखा। यस सर हाँ अब इसके अंदर यहां पे अनेबल आएगा आपको, एक डेटा होगा, डेटा अनेबल, यस को आप नो कर दीजिए, ठीक है। ओके और यहां भी मैं लॉक को नो कर दिया नहीं, और अनेबल एनेबल को भी नो कर दिया। हाँ अच्छा एनेबल को नो कर दिया सेव करते हैं। अब सेव कर देखिए दिया ठीक है, इसमें इसको नहीं हुआ, हाँ यहाँ ये डिसेबल हो गया ना, हाँ हाँ बट ये नहीं हुआ, लग रहा हमने कुछ गलती कर दिया है। इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको और यहाँ कुछ सिलेक्टेड ही नहीं है, इसको नो कर दीजिए। सॉरी, सारा सेलेक्ट नो हो गया, सारा नो हो गया। अच्छा। पूरा सेलेक्ट हो रहा है, एक सेलेक्ट करना ना मैं, हाँ एक, ये नो है ना, यहाँ पे नो कर दीजिए, नो कर दिया इसको ठीक है। यस सर और इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं, हाँ देखिए हो गया। यस सर तो फॉर्म यस बनाते सर समय इन छोटी छोटी चीजों के बारे में भी आपको जानी जानना जानकारी होनी होगा, चाहिए यस क्योंकि इसके बारे में नहीं जानेंगे सर तो आपके फॉर्म का जो इंटरफेस है वो आपका सही नहीं होगा, ठीक है। यस सर इनको सर मैं ये बोल बोलिए। रहा था कि लास्ट क्लास का जो वीडियो है वो मुझे नहीं मिला था सर लास्ट क्लास का वीडियो
सर देख लेते हैं, देखो हाँ सर, लास्ट क्लास का जो वीडियो है ना वो भेज दीजिएगा सर लास्ट में, मतलब। देख लेता हूँ। हाँ ओके सर। तो यहाँ पे जो समझ गए आप, यस सर, यस सर। के डेटा एंट्री करते समय हमें नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट चाहिए, तो हमें यहाँ इस पे क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद इसमें एंट्री करना पड़ता है, जैसे ओम सिटी है पुणे, मोबाइल नंबर है 8802579388, और हम क्वांटिटी वगैरह जो है डालना है डाल देते हैं 20 और यहाँ 5। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यहाँ जो ऑपरेशन है इसको समझिए क्या क्या है। ये आपका है फर्स्ट रिकॉर्ड, ये आपका प्रीवियस है, अभी आप दूसरे रिकॉर्ड पे हैं, तो यहाँ से पहले रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, यहाँ से अगले यस रिपोर्ट पे आ सर। सकते हैं, यहाँ से लास्ट रिकॉर्ड पे आ सकते हैं, और यहाँ से न्यू रिकॉर्ड, यहाँ से आप कोई रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन है यस सर। इसको यहाँ आपको करना पड़ रहा है, तो दिक्कत क्या है, तो छोटा है ना, ध्यान से नहीं जाएगा, हम अपने हिसाब से यहाँ बटन ऐड करना चाहते हैं, बट हाँ मुझे हाँ यहाँ कोई प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग करने आ रहा ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं डिजाइन फॉर्म में जाऊंगा, ठीक है, और यहां इसको नीचे करूंगा, कर दिया, ऊपर आपका बटन दिख रहा है, दिख रहा टैब कंट्रोल। तो यहां देखिए एक बार दोबारा बता देंगे सर कैसे आए इस पे। मैं भी बता रहा हूं कि मुझे बटन से ऐड करना है, किसमें क्या क्या अच्छा अच्छा हाँ हाँ हमें नेक्स्ट प्रीवियस ऐसे यूज के लिए मुझे बटन ऐड हाँ करना, हाँ तो यहां से मैंने बटन को लिया, यहां हाँ मैं हाँ कर रहा हूं, जैसे आप हाँ बटन ड्रैग करेंगे एक पॉपअप आएगा, कमांड बटन विजार्ड, ठीक है, हाँ इसमें आपका कई कैटेगरी है, जैसे कि रिकॉर्ड, जैसे कि यहाँ पे ओके आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नेविगेशन, तो जैसे कि आप फाइंड नेक्स्ट करना चाहते हो, रिकॉर्ड फाइंड रिकॉर्ड करना चाहते हो, गो टू फर्स्ट रिपोर्ट उसके बाद करना चाहते हैं, गो टू लास्ट रिपोर्ट ये करना चाहते हैं, इसको यू ऐड कर सकते हो। रिकॉर्ड ऑपरेशन में ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट, प्रिंट, ऐसे रिकॉर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है, यस सर ठीक है। तो मुझे क्या करना है, न्यू रिकॉर्ड, तो ऐड न्यू रिकॉर्ड, तो ऐड न्यू रिकॉर्ड। नेक्स्ट, हाँ हाँ दूसरा कि आपका बटन इस तरह से दिखना चाहिए या उसके ऊपर लिखा होना चाहिए ऐड रिकॉर्ड या कुछ और लिखा होना, ओके तो मैंने यहां पे लिख दिया ओके न्यू एंट्री, ठीक है, ओके ठीक नेक्स्ट एंड है। फॉलो, हाँ ठीक है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पे मैं एक और बटन लेता हूं, तो यहां पे फॉर्म ऑपरेशन में फॉर्म को क्लोज करना चाहता है, फॉर्म ओपन करना, प्रिंट, कोई ऐसा चीज करना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आपका रिपोर्ट ऑपरेशंस यस सर। या आपका एप्लीकेशंस, अगर एक्सेल क्लोज एक्सेल क्लोज करना चाहते हो या कोई क्यूरी रन करना चाहते हो, कोई माइक्रो रन करना चाहते हो, तो ये सारे बटन है, आप अपने फॉर्म पे अपने आवश्यकता के अनुसार इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो।
जैसे मैं कर ऑटो सकते हैं। रिकॉर्ड लेता हूँ यस सर। और इस पे इस बार हम बटन ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें होल्ड कीजिएगा। हेलो यस सर। जी, हाँ बोलिए, सुजीत बात कर रहा हूँ। सात बजे का आज फिर की दिया था मैंने आपको, मंडे दिया था ना, क्या? नहीं, एक मिनट, किसके लिए? एक्सेस के लिए, एक्सेस के लिए, एक्सेल के लिए? एमएस ऑफिस? नहीं सर, हमने आपको ये मंडे टू फ्राइडे का टाइम दिया था। 7 बजे शाम को मंडे टू फ्राइडे है, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ होता है हमारा सर। सॉरी सर। ओके सर। यहां पे हमने किया यस सर। अब यहां पे पापा के। अब यहाँ पे इसको यस करते हैं। आप दूसरा क्लिक लेके आते हैं। सेव करने के लिए। अब यहाँ पे अब देखिए, मान लीजिए कि हमने रिकॉर्ड किया तो अनरो करेंगे। तरीका है कि अभी अनरो नहीं हुआ क्योंकि अभी नहीं हुआ है। हमने न्यू रिकॉर्ड अच्छा, अंडो क्यों नहीं हुआ सर? अच्छा क्योंकि अभी एंट्री कहाँ किया हमने, कंट्रोल जीरो होता है ना अंडो, है। हाँ, यस सर, यस सर, तो तो इसलिए नहीं हुआ। फॉर्म ओके। क्लोज होने के हाँ बाद नहीं होगा। जैसे आप लिख दिया मैंने पुनीत, हाँ 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 ओम, ठीक है। अब यस सर। न्यू रिकॉर्ड हमने कर लिया। अब मुझे पता चला कि मेरा रिकॉर्ड गलती हो गया है। हाँ अंडो यस, तो डेटा में देखोगे पुनीत वेयर अबाउट टू। वाला रिकॉर्ड है ही नहीं, हाँ बता दिया इसने। अब ठीक है, अब यस सर। पुनीत के रिकॉर्ड को इसने यहां से हटा ही दिया। हटा दिया। हाँ तो अनरो रिकॉर्ड समझ आ गया। तो ये सब सारे जो इस सब नीचे जितने भी हैं यस सर, आ गया। उसकी एंट्री आप यहां पे कर सकते हैं, आप समझे। हाँ यस सर। बात आती है कि मैंने यहाँ पे सिटी हाँ हमारा है ना, तो मैंने डेटा के अंदर कुछ हाँ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। देखिए यस सर। हम डेटा को बंद करते हैं, अपना टेबल को डिजाइन में खोलते हैं हाँ और हमने यहाँ पर सिटी को लुकअप विजार्ड कर देते हैं। ठीक है सर, ओके। आई विल टाइप नर्स दिल्ली देव पुणे, सॉरी बैक करते हैं, आउट एंट्री कर देते हैं। दो दिल्ली, पुणे, गुड़गांव, नोएडा। हाँ तो डाल देते हैं वैसे ही। हाँ यस तो हमने कर दिया। नेक्स्ट, अब सर। बात करते हैं, देखते हैं फॉर्म चेंज हुआ कि नहीं हुआ वाला।
फॉर्म में जैसे दिल्ली पे आया, तेरे चेंज नहीं है, ड्रॉप चेंज डाउन नहीं है। आना यस सर, हाँ ड्रॉप डाउन आना चाहिए। चाहिए। हम राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू में जाते हैं। अब इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। अब यहां अच्छा सिटी को डिलीट कर। हाँ एग्जिस्टिंग फील्ड दिख रहा है आपको, इससे क्लिक करूंगा और यहां से सिटी को लूंगा अच्छा और वापस इसको रख दूंगा। रख दिया। ओके okay. अब यहां पे देखिए सिटी का लिस्ट आ रहा है। ओके okay, और वैसे लुकअप विजार्ड किए हैं तो क्यों नहीं आया लुकअप विजार्ड करने से? क्योंकि फॉर्म हमने क्या किया, हमने हमारा फॉर्म जब बना था उस समय हमारा नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स था, तो फॉर्म में जो क्योंकि ये फॉर्म ऑटोमेटिक कनेक्टेड बना है ना, तो जो फॉर्म आते समय जो ऑटोमेटिक फॉर्म क्रिएशन वाला जो सेटअप होता है उसने टेक्स्ट बॉक्स टच कर दिया। अब हमने फॉर्म अपने डेटाबेस में चेंज किया, अपने टेबल को चेंज किया और सिटी की प्रॉपर्टी को कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी ड्रॉप डिस्क बना दिया, लेकिन फॉर्म को तो पता नहीं है इस बात के इसके बारे में। तो फिर हमने पुराना हमने फॉर्म को डिजाइन मोड में खोला और पुराने जो हमारे बॉक्स था उसको डिलीट करके नया डाल दिया। ठीक है, हमने आपको बोला था कि जब भी आप टेबल क्रिएट करो तो उसको अच्छी तरह से एनालाइज करके फाइनलाइज कर दो, क्योंकि अगर टेबल में आपने कुछ चेंज किया तो उससे कनेक्टेड सारे फॉर्म पूरी रिपोर्ट सब पे चेंज करने पड़ेंगे आपको। समझ गए? यस सर। अब जैसे कि मान लीजिए टेबल में मैंने एक नया एंट्री कर दिया डेट का, ओके एक तो हुआ कि मॉडिफाई किया, दूसरा हमने नया एंट्री कर दिया। हाँ हाँ डेट रिजर्व होता है तो यहाँ पे हमने दे दिया उसकी डेट और यहाँ पे हमने डेट एंड टाइम दे दिया और इसको यहाँ से हम सेव करते हैं। ठीक है, अब फॉर्म में तो डेट वाला ऑप्शन आया नहीं, तो यस सर इसको लाने का वही तरीका है, राइट क्लिक करें डिजाइन व्यू। ठीक है, यहाँ एडजेसेंट फील्ड पे क्लिक करो। हाँ हाँ और यहाँ आप डेट उठाओ, जहां रखना चाहते हो वहां रख दो। ठीक है, यस सर, हो गया। ओके और इसको सेव कर दिया। आ गया। ओके समझ गया फॉर्म को। यस सर। कोई डाउट इसमें? नहीं कोई डाउट नहीं है अभी। इसमें जो बटन बनाया है सर, ये जो बटन है तो बटन में जैसे न्यू एंट्री आप बनाए हैं, फिर ये अंडो बनाया है, इसमें एक और ऐसा ही डिलीट बनाइएगा सर। ओके देखिए डिलीट आकर डिलीट। हाँ राइट क्लिक कीजिए डिजाइन व्यू। हाँ और यहाँ दिख रहा है आपको बटन, क्लिक कीजिए और यहाँ जहाँ चाहिए आपको जैसे डिलीट यहाँ चाहिए मुझे, हमने ड्रैग किया। तो नहीं हुआ। क्लिक तो है, तो ये सेव करने दीजिए। राइट क्लिक डिजाइन व्यू। हाँ एक मिनट मैं फाइल को बंद करने दीजिए, फिर से ओपन करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम है। ओके
राइट क्लिक डिजाइन पे, आ गया। हाँ आ गया। अब इसमें मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड ऑपरेशन, हाँ डिलीट रिकॉर्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट टेक्स्ट, और इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके क्या? यस सर। डिलीट करोगे इसमें जैसे कोई, हाँ कर दिया डिलीट, इसमें डिलीट हो गया। देखिए वहाँ पे बस एक ही बात है। ठीक है, और जो फॉर्म बनाए हैं तो उसमें जो मतलब ये जो डिलीट रिकॉर्ड ऐड न्यू रिकॉर्ड जो ऐड किए हैं तो उसमें और सारे बटन हैं, तो वो सारे बटन अभी बताइएगा सर आगे मतलब। तो सारे बटन तो आप यूज करके देखिए ना अपने हिसाब से, मैंने बता दिया अच्छा। एक लगाना बता दिया मैंने आपको, और इस सबको एक काम अच्छा काम बता देता हूँ आपको क्या किसका क्या काम है। अब जैसे रिकॉर्ड नोटिफिकेशन है जिसमें आपके फाइन नेक्स्ट, हाँ हाँ फाइन रिकॉर्ड, हाँ सर्च है ना नीचे, सर्च का काम करता है। ओके अब फाइन रिकॉर्ड और फाइन नेक्स्ट में क्या अंतर है? फाइन रिकॉर्ड और फाइन नेक्स्ट में, फाइन रिकॉर्ड मतलब कोई रिकॉर्ड फाइंड करना, और फाइन नेक्स्ट मतलब उसके नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड करना, ऐसा कुछ होगा सर बताया स्टोर नहीं हुए। देखिए हाँ जी एक सलाह दें सर, बुरा मत मान। हाँ 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 बोलिए। पढ़ने लिखने के मामले हाँ में तुक्का नहीं मारना चाहिए। ओके यस सर। पता है कि मान लीजिए कि आपको हाँ पूरा पता होगा, आपने तुक्का मार दिया, क्योंकि कोई आपका एग्जाम तो नहीं है ना, तो मैं उस चीज को स्किप कर दूंगा। यस सर। मतलब क्या हुआ कि आप उसका अधूरा हाँ हाँ पूरा किया, तो हाँ हाँ पता है तो बताइए कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं पता है तो बोलिए कि आई डोंट नो। ओके बहुत मानिएगा यस सर, पता नहीं है मैंने ऐसे। हाँ हाँ नहीं नो प्रॉब्लम सर, एक्चुअली मैंने आप दूसरे गेस किया है वाले मतलब वर्ड से। सामने जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है ट्रेनर के सामने नहीं कीजिए, ठीक है ना? यस बैड सर मैनर्स होता है। यस सर यस सर। फाइन रिकॉर्ड जैसे कि आपने सर्च किया, आप सर्च करते हो एक्सेल में या किसी में, तो सर्च करने के बाद फाइन नेक्स्ट के बाद हाँ क्या कभी आपने? फाइन नेक्स्ट भी आता है। यस सर। जैसे आपने सर्च किया एक मान ली पूजा को सर्च किया, और पूजा आपके आपके सिस्टम में 10 बार आ रहा है, बट सर्च हाँ की बार एक ही जगह से ले जाएगा ना, बाकी 10 को हाईलाइट कर देगा, लेकिन रहेगा तो एक ही जगह पे, एक ही जगह रहेगा। हाँ हाँ फाइन नेक्स्ट करोगे से आप मान लीजिए 10 रिकॉर्ड में पहला उसने दिखाया, फाइन नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो दूसरा दिखाएगा, फिर यस फाइन सर नेक्स्ट करोगे तो तीसरा दिखाएगा, फिर फाइन नेक्स्ट करोगे तो चौथा दिखाएगा। यस सर। दिस इज द फाइन नेक्स्ट। ओके फाइन जहां पे फाइन नेक्स्ट और होगा वहां पे फाइन रिकॉर्ड एंड फाइन नेक्स्ट दोनों एक साथ रखिएगा, एक मत रखिएगा। क्या सर समझा नहीं मैं, फाइन रिकॉर्ड और फाइन फाइन नेक्स्ट एक साथ मतलब? और फाइन नेक्स्ट एक ही जगह रखाता है, एक सर्च करता है और एक सर्च की वैल्यू अच्छा वैल्यू को चेक करता है, अच्छा ठीक है। ओके ओके सर। गो टू फर्स्ट तो रिकॉर्ड, जब मैम लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, ये तो पता ही आपको। यस सर ये पता। रिकॉर्ड ऑपरेशन में एड नो रिकॉर्ड, डिलीट, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, प्रिंट वैल्यू, सेव वैल्यू, अनडू। Any doubts? No sir, no doubt. Form operation, जैसे कि क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म, जैसे फॉर्म है उस क्लोज करना चाहते हो, ओपन फॉर्म मतलब कि आप एक कोई और फॉर्म ओपन करना चाहते हो, जैसे होता है ना, जैसे कि आप एक सर्च कर रहे हो, जैसे आपने मान लीजिए लोन को सर्च किया, ठीक है, लोन हाँ अब आपको EMI कैलकुलेटर पे कुछ कैलकुलेट करना है, तो फिर फॉर्म क्लोज करके yes, तो करेंगे जो क्या आप ये बटन डाल दीजिए कि भाई EMI कैलकुलेटर ओपन कर दे, तो EMI कैलकुलेटर ओपन कर देगा। ओपन फॉर्म इसलिए होता है, प्रिंट फॉर्म जैसा फॉर्म इसको प्रिंट कर देना, प्रिंट करेंट फॉर्म,
प्रिंट फॉर्म में क्या होता है कि प्रिंट ए फॉर्म में क्या होता है कि जैसे आपके पास अगर मान लीजिए एक बार में दो तीन जगह, जैसे बताया ना आपको कि आपने इस पे क्लिक कर दिया प्रिंट, इस पे क्या बोलते हैं ओपन कैलकुलेटर, आपके पास दो फॉर्म ओपन है ना, तो दो फॉर्म प्रिंट दोनों को प्रिंट करेगा, लेकिन प्रिंट करेंट फॉर्म जो करेंट होगा एक्टिव होगा उसी को प्रिंट करेगा। और करेगा ये सर। रिफ्रेश डेटा क्या होता है, जैसे आपका डेटा अगर कैलकुलेशन वगैरह है और कैलकुलेशन से लिंक है, जैसे अभी अभी कैलकुलेशन हमने किया, आप पता चला कि टेबल की वैल्यू चेंज हो गई है, तो यहाँ रिफ्रेश कर लो ताकि यहाँ भी वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, यस रिपोर्ट ऑपरेशंस मैं आपको आगे सिखाऊंगा, जो कि जब आपको रिपोर्ट सिखाऊंगा, रिपोर्ट अभी सिखाया नहीं ना, जैसे कि मेल करना, कोई रिपोर्ट ओपन करना, प्रीवियस रिपोर्ट देखना, प्रिंट रिपोर्ट देखना, सेंड प्रिंट टू रिपोर्ट टू फाइल। तो रिपोर्ट जो है आपका बताया था कि तीन होते हैं, एक्सेल चार होते हैं ना, टेबल क्वेरी फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। एप्लीकेशन ओके मतलब पूरा एक्सेस को क्लोज करना, और मिसलेनियस मतलब इसमें ओके टेबल इससे कनेक्टेड है उसको प्रिंट करना है। रन क्यू मैक्रो, ओके अगर आपने कोई मैक्रो कोड किया हुआ है, लिखा बनाया हुआ है, तो उसको रन करना। रन क्यूरी कोई क्यूरी है उसको रन। ओके तो मैं चाहता हूं कि आप एक फॉर्म के ऊपर इन सब को इस्तेमाल करो। ओके यस सर, ठीक है ना, इस्तेमाल करने इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपको इसके बारे में सब चीज पता चलेगा, ऐसे कौन क्या है वो बता यस दिया, सर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी बता दिया आपको, दो तीन एग्जांपल भी यस बता सर दिए आपको मैंने। यस सर, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इसका क्या इस्तेमाल करना। तो सिंपल फॉर्म ए हुआ। अब सिंपल फॉर्म में अगला जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप का है। जैसे कि मान लीजिए कि आप दो फॉर्म यस का आपका डेटा है, जैसे मान लीजिए कि एक क्वांटिटी है, मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट कोड डाल दूं और मैं प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दूसरे शीट से आए, ओके वो आपका रिलेशनशिप कहलाता है, राइट। लेकिन रिलेशनशिप yes, पहले इसको अगर फाइनलाइज कर लें तो बेटर रहेगा। आप बोले तो मैं आगे पढ़ा देता हूं आपको। नहीं आज रहने दीजिए सर, इसको पहले मैं देख लूंगा, फिर नेक्स्ट कल पढ़ते हैं सर। कर लीजिए, और आज की रिकॉर्डिंग जो है कल सुबह तक